अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको टेलीपोर्टेशन के बारे में बताएंगे। टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि एनर्जी या मैटर या फिर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, लेकिन इनके दरमियान फिजिकल स्पेस को अबोर्ड किए बगैर। मतलब ये कि हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि कोई भी चीज फ्यू सेकेंड्स में या फिर इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, जैसे जिन या भूत हमारे देखते ही देखते हुए एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्या ये टेलीपोर्टेशन का अमल मॉडर्न टेक्नोलॉजी या साइंस में पॉसिबल हो सकता है? अगर हाँ तो फिर कैसे? अगर कोई रिसर्च हुई है तो रिसर्चर्स कितना कामयाब हुए हैं और हम टेलीपोर्टेशन में कितना आगे निकल चुके हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। तो जी नाज़रीन, एटम्स के लिए टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो चुकी है, लेकिन इंसानों के मामले में अभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। और फोटॉन्स के लिए टेलीपोर्टेशन बहुत पहले ही पॉसिबल हो चुकी थी। फोटॉन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट है, यानी फोटॉन से मिलकर कोई भी लाइट बनती है और एटम भी एक स्मॉल यूनिट है। एटम्स को टेलीपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन एक कमरे से दूसरे तक। एक सिटी यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की, मिस्चियो काकू एक साइंटिस्ट हैं, वो सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है, यानी उन्होंने एटम्स को टेलीपोर्ट करके दिखाया है। उनको मिस्टर पैरेलल यूनिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक और कंट्रोवर्शियल लेक्चर्स देते हैं। उनका मानना है कि टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल होगा और टेलीपोर्टेशन भी। पहले पहले लोग उन पर हंसा करते थे, लेकिन आजकल लोगों ने उन पर हंसना बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने एटम्स को टेलीपोर्ट करके फिल्म भी कर दिया है। तो एटम्स को कैसे टेलीपोर्ट किया गया? सबसे पहले एटम्स या कोई भी फिजिकल चीज जिसको हम टच कर सकते हैं उसको डेटा के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, देन उस डेटा को रीअसेंबल करके दोबारा उसी फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है। एटम्स को टेलीपोर्ट कर दिया गया है और इसको क्वांटम टेलीपोर्टेशन बोलते हैं। एटम्स जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लिविंग बींग नहीं है, तो इसको पहले तोड़ते हैं यानी सब एटॉमिक पार्टिकल में ट्रांसफर करते हैं, फिर डेटा की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, देन ये रिसेंबल होता है और इसके बाद ये अपनी असल हालत में टेलीपोर्ट होने के बाद अपनी असल फॉर्म में दोबारा लाया जाता है। लेकिन इंसान तो लिविंग बीइंग है ना, तो क्या गारंटी है कि उसको टेलीपोर्ट करने के बाद वो जिंदा भी निकलेगा या नहीं, अपनी असल हालत में होगा भी या नहीं, या उसका क्लोन निकलेगा? तो साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंसानों को टेलीपोर्ट करने के बाद उनकी असल हालत में लाना। सपोज कर लेते हैं हम कि अगर इंसानों को टेलीपोर्ट कर भी दिया गया है तो किसी के पास ये गारंटी नहीं है कि इंसान जिंदा भी निकलेगा या नहीं, लेकिन साइंस की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मिस्टर काकू का ये मानना है, उनका ये दावा है कि वो आने वाले 20 सालों में मॉलिक्यूल को भी टेलीपोर्ट कर देंगे। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है, लेकिन अभी इंसान के मामले में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट या ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि फ्यूचर में इंसान भी टेलीपोर्ट हो जाए और हम चुटकी बजाते ही एक जगह से दूसरी जगह। तो नाज़रीन, अगर आपको इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।